घरा के रिकॉर्डिंग करेगा सरिता पूरी चली गई हमारा तो हम सबसे पहले फिर रिकॉर्डिंग हुई आप लोगन के हमने के रीता बहन और उमा रीता पुनी जी और उमा बसगीत जी को जो लोक परंपरा गीत के उठाइले हो वंजा 2006 से जो के हम देख ले रही और अभी फिलहाल आप लोगन सबे को भव्य रूप से पिछड़ावरे शिवाला मॉल में एगो बहुत बड़ा भोजापरी हमने के ये कंपटीशन हो रहा जेकर में आप सब लोग भाग ले रहे रजा उनकर लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा कि बहुत छोटा समय में जब हम बोल रही कि हमने के दुगो मेहमान आवत हो जा भारत से पटना से और उनकर स्वागत में कुछ छलक दिखावे के है जा परी 200 साल में कैसे हमने के माँ बहन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कितना दुख सह करके कितना कठिनाई से दिन भर जा करके थाता में काम कर खेती में काम कर और ओकर बावजूद सांस के हमने के रीति रिवाज के भी जीवित रखन जा शादी शुदा हमने के सब जन बाटे बियाह के सम के साथ जन जुड़ल बाटे संस्कृति जन सभ्यता जन गीत भोजपुरी के उस सब जीवित रखले हवन जा और आज हमनी के सामने ओकर एगो झलक मिलल ये बहुत ही गर्व के बात है और एक जैसे आप लोग अपन आंचल में बटोर के रखले हो वजह यही प्रकार से हम बहुत खुशी होली कि ये सब टोली में एक दू को आप लोग के बहुरिया या बेटी लोग या नातिन लोग आए बाटे यही प्रकार से उन लोग के सिखाया जा ताकि उन लोग आगे पीढ़ी जो आवता उकेर में सकियन जा ये लोग वही रूप से एक जोगा के जो रखले हवा जा सिखावे और गीत के हमने के सामने पेश करे ताकि हमने के संस्कृति सभ्यता जो बाटे भोजपुरी के उज्जीवित रही हमके ज्यादा नहीं बा बोले के हम तो हमेशा बोलते आए हैं लेकिन आज हमने के बीच में जो हवन आप लोग के सब बधाई देवत है धन्यवाद हमने के प्रोफेसर डॉक्टर दुबे हवन दुबते हवन सुई के नहीं कोशिश करने के दुबते नहीं अपन पढ़ाई में उनका डॉक्टरी मास्टर मिलर बाकी जो देख रहे करे रंजा ओकर में दुबते और एगो प्रोफेसर हवन यूनिवर्सिटी में पढ़ावे रहा बक्सर में गांव बक्सर शहर में जहां बिहार में वही बक्सर में जहां विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के वहां पर गुरु मंत्र देलन उन लोग के शिक्षा देलन होजे परी जहां पर तारका के वध हो रहा वही जगह से पुण्य जगह से आए हवन भारत में एक ही जगह पर पटना में बिहार में जहां पर एक भोजपुरी अकादमी बाटे जेकर के सरकार हो जाके श्री नीतीश कुमार जी आए रहन मॉरिशस आप लोग के गांव भी आए रहन हो जा फुलियार आए रहन श्री नीतीश कुमार जी ओकर ई भोजपुरी अकादमी के सेटअप जो ओकर भव्य आज के रूप दे आधुनिक युग में कैसे ओके चलावे के डॉक्टर प्रोफेसर दुबे जी के सौंपले हवन और प्रोफेसर दुबे जी ई एगो मान लिया कि बहुत 20 से ज्यादा पुस्तक लिख रहे हवन ओबामा सुन ले हवा जाना के है ओबामा प्रेसिडेंट कहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट उनकर बारे में लिखा कि वो ऐसा परिवार से टूटल परिवार से ओबामा के जीवन जो है बहुत ही छोटा अवस्था में नहीं जनबा कौन ओकर पहचान है इतना एगो टूटल परिवार से उठ करके बहुत मान लो दादी पोसलक नानी पोसलक फिर भी इतना पहचान के हो गए कि आज वो दुनिया भर के इशारा करी तो तोरा पर ही छूट जाएगी अमेरिका के ते औसन औसन पुस्तक लिखले हवन और शास्त्र जो नीति बाटे ओकर में लिखले हवन बहुत पुरस्कार उनका मिला बाटे हम उनका काम बहुत अच्छा तरह से नजदीक से देख रहे हैं पटना में आरा में जहाँ से हमने के पूर्वज लोग बहुत से आए बटे और वो हवजा परी हमार बहुत भव्य रूप से स्वागत कर ले रहे हैं और हम आभारी हैं लेकिन ज्यादा नहीं बोलब अब आपके सामने डॉक्टर रवि कांत दुबे जी आपके बीच में दुबो शब्द बोलियन उनका साथी भी आलवन उनका
चेला उनका शिष्य जो पढ़ावत वन पीएचडी तब वो डॉक्टरी बनियन वो हवन गजेंद्र कुमार जी और जो इनकी मॉरिशस अभी बोली जा मॉरिशस भारत के संबंध जो सेतु बाटे वो कैसे मजबूत कर जाए तो प्रोफेसर रविकांत दुबे जी आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय दीदी और हमारी प्यारी दीदी डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, इस समारोह के संयोजन करे वाली प्रमिला पुनीत जी, ये सभागार में बैठल हमार दादी लोग, चाची लोग, माई लोग, मौसी लोग, फुआ लोग आ हमार संगतिया लोग रउआ सबके सब गीत देख के ऐसन मन विभोर हो गई कि हमरा अगर बस में रही तो हमरा यह मन करता कि वो हवाई जहाज पर बैठेती सबे और सीधे ले ले अपना इंडिया चली थी। हम अपना फुआ से मौसी से चाची से दादी से कहती देखा संतोनी के गीत नीचे गाए कि लोग कितना बढ़िया गीत गावता। हरीश वाला गीत हमनियो की यहाँ गावल जला, साझा के जगावल जला हमरो की यहाँ, जो परिछावन होला दुल्हा के वो परिछावन वाला गीत भी होला, हल्दी वाला भी गीत होला और ओहिजा भी प्राय मान जे पुरान पीढ़ी बा उहे लोग जिंदा रख ले बा। नयका बहुरिया लोग तो नौकरी करे चल जाता लोग, वो लोग अपन कैरियर संभालता लोग, डिग्री लेता लोग, माने इंजीनियरिंग मेडिकल प्रोफेशनल बढ़िया बात बा, समय परिवर्तित भइल बा, विकास भइल बा, लेकिन ओह लोग के भी हमनी के यह कहने जा कि अपन कैरियर के साथ साथ के अपना माँ के, अपना मातृभूमि के, अपना मातृभाषा के सम्मान देवे के चाहिए। जे आदमी अपना माई के सम्मान ना दी, मातृभाषा के सम्मान ना दी, मातृभूमि के सम्मान ना दी, वो व्यक्ति के कहीं सम्मान ना मिल सकेला। तब बहुत से लोग बा ओकरा के कर रहल बा। हम या अहिं तोहर बुझाते नहीं है कि हम भारत में बानी, बिहार में बानी कि मॉरिशस के गांव में बानी, बुझाते कि हम अपना गांव में बानी। यही रउए सबके चेहरा में से केहू के चेहरा मौसी से मिलता, केहू के चेहरा फुआ से मिलता, केहू के चेहरा दादी से मिलता, केहू के चेहरा चाची से मिलता। पहरावा ओढ़ावा भी यही तरह के भारतीय पारंपरिक वेशभूषा बा। हमनी के घर में अभी भी भोजपुरी बोले नहीं जा, हमनी के घर में अभी भी भोजपुरी बोले जा। एजा दीदी बाड़ी गाड़ी में कबो फोन आ गए रास्ता में चलत तो भोजपुरी में बात कारे माई का आल बात सोने से कहिए बबुआ अपन खाए पिए के ध्यान रखिये, स्वास्थ्य के ध्यान रखिये। हम की तू चिंता मत कर दीदी, या बाड़ी हमके खायत मिल जाएगी। तो इजन परंपरा हमने के बा कहीं ना कहीं एक तरफ से रोवा शब्द में जो नया पीढ़ी आ रहा बा कैरियर खाती जरूर बिखराव आ रहा बा। ओकरा के हमने के ये समझावे के बा कि तू अपन कैरियर कर, तू आगे बढ़ा, तू मेडिकल कर, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, चार्टेड अकाउंटेंट बना, लेकिन संगे संगे एक रूप जीवित रख ये परंपरा के। ये परंपरा में मिठास बा, ये परंपरा में बहुत प्रेम बा, हृदय से अपन प्रस्फुटित हो रहल बा ये परंपरा में। और ये गीतन के माध्यम से माने एगो ई कह जाला अंधकार के हम काहे धिकारी, अंधकार के हम काहे धिकारी, बढ़िया बा एगो दियरा जलाली, बढ़िया बा एगो दियरा जलाली। तो कुल मिला जुला करके जो असहज वर्तमान बा भविष्य के सुखद परिकल्पना से अगर आश्वस्त ना होला तो अतीत के जो यथार्थ बा, सच्चाई बा, उस शाश्वत लागे लगेगा। हमनी के एगो ऐसन पूर्वज अतीत लेके आई रहन 177 साल पहले इस देश में लोग ले आए कि चलो सोना मिली, सोना ना मिलल लेकिन इस देश के खड़ा करे में अपना खून पसीना से हमारे पूर्वज लोग एगो ऐसा खूबसूरत महल तैयार कई जगरा पास सारा दुनिया गर्व करता।
आजादी मिलल, झंडा मिलल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग बनल लोग, संभाल के राखल लोग। और आज भी जो संस्कृति का मूल आत्मा बाबू गांव में बसेला, रूह और आत्मा में बसेला। और आगे आए वाला पीढ़ी के रुआ सब संयोजन करब या सरिता दीदी के बारे में जितने कहब उतने कम बा। काल यहाँ के महात्मा गांधी संस्थान में और मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट के द्वारा एगो बहुत बढ़िया समारोह आयोजित कैले रही है, जोना में कई गो मंत्री लोग आए रहे, हाई कमिश्नर लोग आए रहे, प्रोफेसर लोग आए रहे, विद्वान लोग आए रहे। और वो समारोह में यहाँ की ऐसा व्यवस्था कैले रही कि सभागार में जगह ना रहे, लोग बाहर से खड़ा होके सुनत रहे। आज के सब अखबार में फोटो वोटो आई बा। तो हमारा से वो बात तो हमी रास्ता में हमारा मन कर दे बउआ कि हम बैंक एगो लूट ली। हम कहे दीदी अगर भोजपुरी की सेवा करे खातिर हम तू तो शहीद हो जेबू तारा के पुलिस पकड़ के ले जाए तो सारी भोजपुरी तो समझ पे आ जी हाँ कि हमार दीदी भोजपुरी की सेवा खाती अपराध के लिए इनका क्षमा कर। तो ये अपना जो ना पूरा दिन रात परिश्रम करते हैं किसे भारत में भी काफी लोकप्रिय बनी। पिछला साल मन ये साल पटना गए रहनी, आरा गए रहनी, सिवान गए रहनी, छपरा गए रहनी और ये सब जगह पर वहां के वो संस्कृति में मिलजुल करके अपन मॉरिशस और भारत के संबंध मजबूत करे खातिर एगो सेतु के काम के नी। तो आज हम ये सभागार में अगर बानी तो सरिता दीदी की वजह से बानी। इतने हम चाहब कि हमारा सरिता दीदी खातिर जोरदार ताली बजाई जाए। अब ज्यादा लंबा भाषण ना करब, भूख हमरो लागल बा। बिया भइल भोज ना होई तो बड़ा दिक्कत होई। तो संक्षिप्त में कहो कि भाषण कार्यक्रम करके भोजन की तरफ चलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम के लोक परंपरा गीत में एगो नया मोड़ ले लेलक कि भारत से इतना अहिला जा तो अपन काम से, लेकिन अपन मूल्य समय निकाल के हमें बीच में अला इतना हमें समय देला। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद सरिता बुद्धू जी कि तू भी ऐसा समय निकाल कि हमें के वही दिला कि भारत से आवत बन जा, हमें के भाई साथ मिल के लोक परंपरा गीत के आवाज उठा जा। अब हमें के सामने हवन गंजेंद्र कुमार जी, ये नौजवान हवन अभी शादी नहीं हो रहा अभी ध्यान रखा जा। और जिकर अगर कोई भी अच्छा लड़की हो तो निकल बोले कि आज मन मॉरिशस में बहुत अच्छा लगा, जिकरा मन बहाय जे रहे मॉरिशस के दामाद हो। हां चलो जा जा इसमें अच्छा मिले जा। दो शब्द बोल लो, दो शब्द, दो गो शब्द लंबा ना, दो शब्द बोल लो। आदरणीय सरिता दीदी जी, हमारे गुरु जी और रीता बहन जी और जो भी आई बनी माता बहन, फुआ चाची, उमा बहन, एक दो को भौजाइयो बड़े लोग हमारे इसे वैसा नहीं बड़े लोग हमें इसे कह दे रही है। हमारा बहुत अच्छा लगल जाके और हमारा मकसद यह रहा कि हम जाई और जो हिंदुस्तान के छोटा हिंदुस्तान जो बसल बा मॉरिशस में ओकरा के देखी समझी। और हम बहुत आभारी बानी दीदी के कि इहे के वजह से हमार जोन भी होई तो इहे के वजह से ना, तो हमनिके एगो जो यहाँ के कली है दीदी की जो सेतु के काम करे के बाद सेतु तो बनबे करी। आ इहो पक्का हमार वादा बा कि रोरा के बुलाही के बा हमरा, अब जैसे हम बुलाही है जब बुलाही हम समय ना ले जाए, लेकिन वो वादा देता नहीं कि रोरा के बुलाई आप फिर आई बस। और आशीर्वाद दी हमरा के, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारा गजेंद्र खातिर रिश्ता कुछ ले आवल।